मेरी क्रिसमस वेलकम बैक दोस्तों। अभी आई एम श्योर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखा होगा, मैं बाहर छुट्टियों पे हूँ, लेकिन हमेशा की तरह हमारे जो वीडियोस हैं वो टाइम पे आने की हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी गलतियां जो मॉडल्स करते हैं अपना प्रोफाइल मॉडलिंग एजेंसीज में भेजने टाइम पे, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हो, करियर आगे सीरियसली लेना चाहते हो, तो ये पांच गलतियां नहीं करना। अभी तक जरूर देखना और अपने फेवरेट चैनल को आज सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों टिप नंबर वन, जब भी आप अपना मॉडलिंग का प्रोफाइल एड एजेंसीज में या मॉडलिंग एजेंसीज में भेज रहे हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी फोटो आपकी ओवर एडिटेड ना हो। आज की डेट में हर बंदा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आपके स्नैपचैट पे डिफरेंट फिल्टर्स यूज करता है, तो ओवर फिल्टर ओवर एडिटिंग अपनी फोटोज पे नहीं करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, जो आपकी प्रोफाइल मॉडलिंग एजेंसीज में जा रही है, आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी फोटोज जो हो बेसिक अच्छी फोटोज जो आप भेज रहे हैं, सनग्लासेस ना हो। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आईज के एक्सप्रेशन है, अगर मैं सनग्लासेस लगा लूंगा छोटे बड़े वट एवर साइज, आपके वो एक्सप्रेशन मिस आउट हो जाएंगे, वो एक्सप्रेशन छूट जाएंगे, और जो सनग्लासेस वाली इमेजेस हैं वो एड एजेंसीज या मॉडलिंग एजेंसीज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो सनग्लासेस बिल्कुल नहीं लगाने। नंबर तीन दोस्तों, अपनी फोटोज पे आपने ओवर एडिटिंग नहीं करनी है। अगर मैं मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर है, मेरे को अपने आप को ज्यादा फेयर नहीं दिखाना, और अगर मैं वीटेश हूं, चॉकलेट रंग है, तो यहां अपने उसको वाइट करके एजेंसीज को नहीं भेजना। बहुत बार मेरे साथ पर्सनली होता है, हम जब किसी कास्टिंग के लिए मॉडल्स हायर कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं अपना पोर्टफोलियो भेजें, हमारे को मेल करें, और जब हम पोर्टफोलियो मंगवाते हैं और जब मॉडल को हम रियल बुलाते हैं अपने सामने, तो एडिटिंग इतनी ज्यादा होती है कि बोल यार यही बंदा है क्या, तो ये नहीं करना। और अगले टिप पे जाने से पहले, जितने भी दोस्त हमारे यहाँ पे जो मुझे डीएम करते रहते इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कि सर हमको आपके साथ पोर्टफोलियो कराना है कैसे करें, तो ये नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ अपना पोर्टफोलियो जो है वो बुक कर सकते हैं। नंबर फोर दोस्तों, रॉन्ग मेजरमेंट्स। जी हाँ, रॉन्ग मेजरमेंट्स खुद के पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं कि अगर आप 5'2" हो आप 5'4" लिख देते हो, 5'4" हो तो आप 5'6" लिख देते हो, तो अपनी बॉडी मेजरमेंट्स, अपनी हाइट, वाइटल्स कभी गलत मत दो। दोस्तों यहां पे क्या होता ना, आपका खुद का जो इंप्रेशन है, खुद की जो आपकी इमेज मार्केट में है वो खराब होगी। हाल ही में मैं एक शूट कर रहा था जहां पे मॉडल के मैंने मेजरमेंट्स मंगवाए थे शूट के लिए, हमें बताया गया मॉडल जो है 5'5" है, जब वो शूट पे 5'3" थे तो शूट पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो किसी भी बंदे को, एजेंसी को, कोऑर्डिनेटर को अपने रॉन्ग मेजरमेंट्स बिल्कुल मत देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टिप नंबर 5 दोस्तों, ओवर मेकअप में आपने अपनी पिक्चर्स नहीं करानी। जितना है बेसिक मेकअप करो, लड़कों के लिए भी बेसिक रखना है, हेयर के साथ आपने अच्छा प्ले अराउंड करना है, लेकिन लड़के ओवर मेकअप ना करें। गर्ल्स अगर आप मेकअप रख रहे हैं, आई मेकअप हो, नॉर्मल हो, अच्छा हो, लेकिन जो अपना फेस है अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आपके शूट पे होने चाहिए, ताकि वो अपने कॉम्प्लेक्शन, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसको रियल दिखाए। सो ये पांच चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट है एज अ मॉडल माइंड में रखना है आगे अपना प्रोफाइल भेजने से पहले। आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो। ठंड में पता नहीं कितना भी डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, 5 डिग्री तो था एक घंटे पहले। सो आप लोगों के लिए यहाँ खड़े होकर मुझे लगा आपको एक सुंदर व्यू के साथ आज का वीडियो लेके आऊं। कैसा लगा नीचे लाइक कमेंट करके बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।